सर कई लोगों के मन में ना ये भी मिथ है कि इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पीएचडी करने के बाद बाहर उसको रिकॉग्निशन या अटेस्टेशन करने में दिक्कत आती है, जैसे वेस की वेरिफिकेशन होती है, तो कई सारी वेरिफिकेशन होती है जब हम इंडियन अपनी डिग्री को, इंडियन अपने कोर्स के डॉक्यूमेंट्स को बाहर प्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपको ऐसी कोई दिक्कत आई थी? हाँ ऑफकोर्स, पहले मेरे भी मन में ये चीज़ आई थी कि इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से डिग्री करना मेरे लिए वहाँ पर अब्रॉड में उतना सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, लेकिन जब मैंने आप लोगों की गाइडेंस से मुझे जब ये मालूम चला कि ये एक वैलिड प्रोसीजर है और ऐसा ऐसा होता है, और जब हमने UGC की गाइडलाइंस फॉलो अप करके पूरा कंप्लीट जब मैंने किया और उसके बाद जब एम्बेसी से मैंने उसको अटेस्टेड करवाया, तो वो मेरे लिए बाहर भी उतना ही वैलिड हो गया था सर्टिफिकेट अब्रॉड में जितना कि वो यहाँ इंडिया में वैलिड हो सकता था। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा, सबके मन में जो मिथ रहता है कि इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बाहर वो रिकॉग्निशन, वो वैलिडिटी नहीं मिलती है, अगर आप UGC गाइडलाइन सारी फुलफिल करो और UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने सारी UGC गाइडलाइंस को फॉलो किया है, सारे प्रोसीजर्स को आपने फॉलो किया है। हेलो एवरीबॉडी, मैं गितेश गुप्ता, CEO ऑफ एमले प्राइवेट लिमिटेड। आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूँगा जिनको इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बिलारा की शान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी एक जोधपुर के पास एक छोटे से गांव बिलारा से शुरू करी थी, और अब ना जाने कहां कहां से इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हांगकांग, चाइना, मलेशिया, तो अभी ये फ़िलहाल हांगकांग में स्थित हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर सुमित माथुर, तो ये हमारे लिए एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू कि आप अपनी जर्नी सबके साथ शेयर कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर, आप इस मंच पर आए, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कम हेयर एंड एक्सप्रेस माई जर्नी इन दैट वे। थैंक यू वेरी मच। तो सर हमारी ऑडियंस ये चीज़ जानना चाह रही, सबसे ज़्यादा क्यूरियस इस चीज़ को लेके कि आपने बिलारा से हांगकांग का सफ़र कैसे तय किया सर, आपके पेरेंट्स ने चीज़ें कैसे मैनेज करी, आप वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे? तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो एक बहुत छोटा सा विलेज है जिसका नाम है बिलारा, जोधपुर के पास में है वो, राजस्थान में, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ पर थी और वो स्कूल में एज अ लेक्चरर वहाँ पर काम करते थे, तो हमारी फैमिली भी उनके साथ वहीं पर शिफ्ट हो गई थी और हम लोग वहीं रहते थे, तो सारी स्कूलिंग वहीं से हुई। वहाँ पे ऐसा पढ़ाई का माहौल तो नहीं था एजुकेशन का, लेकिन क्योंकि हम लोग वहीं रहते थे और उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, तो हमने वहाँ पे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और मैं 12th स्टैंडर्ड तक वहीं पे पढ़ा। तो जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई वहाँ से बिलारा से, तो उसके बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे जोधपुर शिफ्ट होना पड़ा, जो भी एक अच्छी सी सिटी है राजस्थान में ही। और जब मैं जोधपुर शिफ्ट हुआ और कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो मुझे पता चला कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, और वहाँ पे बच्चों में एक कॉम्पिटिशन था, वो मेहनत कर रहे थे, वहाँ काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे को मिले जो कि हमें गांव में मालूम नहीं था। तो जब मुझे जोधपुर में अपनी कॉलेज एजुकेशन की ड्यूरेशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स और वैरायटीज़ मिले, तो उसके बाद में जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कोई एडवांस या लेटेस्ट सब्जेक्ट लेना है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे दिमाग में वो चीज़ थी, उस समय उसका बूम भी चल रहा था और स्टूडेंट्स के अंदर उसका एक चार्म भी था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मेरा मास्टर डिग्री उसमें करना है। उसके लिए मैं बेंगलोर गया और वहाँ से मैंने अपनी मास्टर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शुरू की। तो मास्टर डिग्री बेंगलोर से कम्प्लीट करने के बाद में मेरा जो फर्स्ट असाइनमेंट था, जो मुझे फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, वो चेन्नई में मिली थी, और मैं वहाँ गया इंटरव्यू के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखा वहाँ काफ़ी क्वालिफाइड लोग ऑल ओवर इंडिया से वहाँ आए हुए हैं और उनके बीच में एक अच्छा लेवल का कंपटीशन चल रहा है। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा उसमें आउटफिट था और इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ा वहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको तीन लोगों को चूज़ करना था, तो उन्होंने जब मुझे फाइनलिस्ट बनाया, तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अप गया। तो सर जैसे कि आपने बोला कि तीन लोगों में आपको उन्होंने फाइनलिस्ट ऐसा चूज़ किया, जबकि वहाँ ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी कंपटीशन था, तो आप ही को भी चूज़ किया उन लोगों ने? सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये चीज़ पता चले कि क्या उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, थोड़ा इस चीज़ के बारे में आप बताइए सर। तो चेन्नई में जब हमारा इंटरव्यू हुआ और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे थे, बहुत क्वालिफाइड भी थे, मैं भी उनमें से एक था, थोड़ी नर्वसनेस थी, सब कुछ था, लास्ट में जब मेरा नाम तीन फाइनलिस्ट में आया, तो जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पिछली जर्नी थी कि एक ऐसे बैकग्राउंड से मैं आके और उसके बाद मैं अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डिवेलप करके और एक पोटेंशियल दिखा के मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, तो शायद उनको महसूस हुआ कि ये एक हमारी कंपनी के लिए एक चॉइस हो सकते हैं। तो सर आपको उन लोगों ने सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या रही आपकी जर्नी? मेरा जब प्लेसमेंट हुआ और उन्होंने मुझे कहा, ज्वाइनिंग पीरियड दिया उन्होंने मुझे, और जब मुझे वहाँ जाके ज्वाइन करना था मैंने किया, सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हुई, और उसके तुरंत बाद ही
उनका जो एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा था न्यू जर्सी यूएस में, और उनको लगा कि शायद मैं उसके भी काबिल हूँ। उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी ऑफर की और मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मेरे को ऐसी पहले कभी मिली नहीं थी, और मैं तुरंत रेडी हो गया कि मुझे यूएस जाके और ये एक्सेप्ट करना है, और वहाँ से मेरी इंटरनेशनल एक्सपोजर की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। न्यू जर्सी जब मेरी पोस्टिंग हुई, एक साल मैंने वहाँ पे एज एन आईटी प्रोफेशनल काम किया, जो कि मैंने पढ़ाई की थी और मैं चाहता था काम करना। लेकिन जब एक साल मैंने वहाँ पे काम किया तो मैंने ये देखा कि एज एन आईटी प्रोफेशनल आपको बहुत सारे वर्किंग आवर्स देने पड़ते हैं। हम लोग घंटों तक बैठ के कोडिंग करते रहते थे, टाइम थोड़ा सा कम मिलता था, और क्योंकि उस समय एज ग्रुप वैसी थी तो मैं चाहता था मेरे पास थोड़ा टाइम मिले। तो एक साल बाद उसी कंपनी के थ्रू मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि हांगकॉन्ग चाइना बेस्ड थी, लेकिन उसमें मेरा फील्ड चेंज हो रहा था। मैं आईटी कंपनी से सीधा एक एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी में आ रहा था। तो थोड़ा कुछ सोचने के बाद में मुझे लगा कि ये शायद एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे लिए, जहाँ एक वाइट कॉलर जॉब मिलेगा और टाइम भी अच्छा खासा मिलेगा और मेरा खुद का मैं डेवलपमेंट कर पाऊँगा, जो कि मैं 12-13 घंटे कोड्स लिखने के बाद में नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद में 2008 में मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और मैं हांगकॉन्ग शिफ्ट हो गया, और उसके बाद से मैं लगातार अभी तक इंटरनेशनल हायर एजुकेशन और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ में काम करता आ रहा हूँ। तो सर, आपकी जर्नी ट्रूली एक इंस्पिरेशनल जर्नी रही, जो कि आपने भी बताई है। बिलारा जैसे एक छोटे से गांव से आके आप हांगकॉन्ग, न्यू जर्सी, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे आप गए हैं। तो हर एक गांव के बच्चे का सपना होता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, पर उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो वो जर्नी कैसे अपनी तय करें, क्या उसको पाथवे चूज़ करना है, तो वो आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या हार्डशिप्स आई थी आपकी जर्नी में, ताकि वो गाँव के बच्चे जिनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि कुछ अच्छा करना है, तो वो उस जर्नी को कैसे फॉर्मुलेट करें, कैसे शेप अप करें, आपको क्या क्या हार्डशिप्स आई थी ताकि वो मिस्टेक्स या हार्डशिप्स ना फेस कर पाएं, थोड़ा उस चीज़ के बारे में बताइए सर। वाकई में ये बात सही है, काफ़ी हार्डशिप्स थी जब ये ट्रांजिशन हुए, इंटरनेशनल लेवल पर गए, ख़ासतौर से जब आप एक ऐसी जगह से आते हो, गाँव से जैसे मेरा है बिलारा, और आप इस लेवल पर चले जाते हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि आप और भी लोगों के साथ शेयर करें ये चीज़। जैसे मैं अपने गांव में गया, मैं अपनी स्कूल में जहां मैं पढ़ा वहां मैं उन बच्चों से मिला और उनको मैंने बताने की कोशिश की कि अगर आप भी मेहनत करते हो इस तरह से तो आ सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं ये चीज़ मेरी और भी लोगों तक पहुँचे, तो आप लोगों ने आज ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप प्लीज़ इसको देखें और मेरे एक्सपीरियंस से और मैं जो चीज़ें यहाँ शेयर कर रहा हूँ उससे कुछ समझें और अपने लिए एक अच्छा पाथवे और एक बढ़िया फ्यूचर डिसाइड करें। तो सर, पीएचडी करने का हमारे थ्रू आपके मन में कहाँ से आया है कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए, तो ये थॉट आपके मन में कैसे आया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म पे थे, तो वाई पीएचडी सर? जब मैंने काफ़ी साल बिता दिए लेक्चरशिप के लिए और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में काम किया एजुकेशन में आने के बाद में, तो आखिरकार मुझे ये लगा कि मुझे मेरे प्रोफाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, जिसमें थोड़ा रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ ये तो है नहीं कि क्लासरूम टीचिंग आप करोगे, बच्चों को रिसर्च के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए, प्लस आप अपना खुद का भी कुछ नया लेके आएंगे। तो पीएचडी में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना खुद का कुछ एक ऐसा आर्टिफैक्ट डेवलप कर सकता हूँ जो मैं एज अ शोकेस किसी को बता सकता हूँ, अपने बच्चों को, और उसके बारे में एग्जांपल्स सेट कर सकता हूँ। तो सर, पीएचडी को लेके ना कई सारे लोगों के मन में मिथ्स हैं कि पीएचडी परस्यू करना बहुत डिफिकल्ट है, एक वर्किंग प्रोफेशनल तो परस्यू ही नहीं कर सकता पीएचडी, और कई लोगों को ये भी लगता है पीएचडी परस्यू करने में 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा सर कि आपके पास क्या वो चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी पीएचडी के थ्रू, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते थे पर नहीं करी आपने, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए सर। क्योंकि हम जानते हैं कि पीएचडी अपने आप में एक टर्मिनल कोर्स है, और जब मैंने अपना रिसर्च शुरू किया तो ऑब्वियसली काम के साथ एकदम से जब आप ये रिसर्च वर्क शुरू करते हैं, मेरे लिए बिल्कुल नया था और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स उसमें आई थी कि टॉपिक सिलेक्शन से लेके पेपर वर्क कैसे करना है, कोर्स वर्क कंप्लीट कैसे करना है, आपकी थीसिस कैसे कंप्लीट करनी है, तो मुझे उसमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। तो फिर मैंने एमले को अप्रोच किया और एमले से मुझे नेसेसरी गाइडेंस टाइमली मैनर में मिलती रही, और उसकी वजह से मेरा रिसर्च वर्क काफ़ी स्मूथ हो गया और जो जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं मेरे को थी वो सब वहाँ से मुझे मिली, और उसकी वजह से मैं अपना इसको एक टाइमली मैनर में कंप्लीट कर सका। तो सर, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस से थोड़ा ये भी शेयर करें कि पीएचडी करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई, क्योंकि आपने टाइमली पीएचडी कर ली थी, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई और क्या आपने ग्रोथ ली उनसे लाइफ में अपनी, थोड़ा वो हमारी थोड़ी ऑडियंस को आप बताइए उस बारे में कुछ।
तो पीएचडी करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि जो मैंने एक स्टेज हासिल कर ली है एज अ प्रोफेसर, उसको मैं आगे बढ़ाऊं और कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या हायर पोस्ट्स जो आती हैं उसके लिए मैं जाऊं, तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास डॉक्टर्स टाइटल होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। तो वो देखते हुए मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ टाइम पे ख़त्म करनी होगी अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है तो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मेरा वेट नहीं करेंगी वहाँ पे। तो उसके लिए एमले की हेल्प से जो मेरा पीएचडी टाइमली कंप्लीट हुआ, जिसमें कि ज़्यादा भी टाइम लग सकता था, शायद 4 साल या 5 साल, तो जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हुआ एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मुझे अपनी टीम का चेयर बना दिया गया जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है। और उसके बाद से 2019 से जैसे मेरा ये कंप्लीट हुआ उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली अभी चेयर पे हूँ। तो मुझे तो इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ और जो मैं चाहता हूँ कि सब लोग समझें और उसको करें उस तरह से। तो सर कई लोगों के मन में ना ये भी मिथ है कि इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी करने के बाद बाहर उसको रिकॉग्निशन या अटेस्टेशन करने में दिक्कत आती है, जैसे वेस की वेरिफिकेशन होती है। तो कई सारी वेरिफिकेशन होती है जब हम इंडियन अपनी डिग्री को, इंडियन अपने कोर्स के डॉक्यूमेंट्स को बाहर प्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपको ऐसी कोई दिक्कत आई थी? हाँ ऑफकोर्स, पहले मेरे भी मन में ये चीज़ आई थी कि इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री करना मेरे लिए वहाँ पे अब्रॉड में उतना सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। लेकिन जब मैंने आप लोगों की गाइडेंस से मुझे जब ये मालूम चला कि ये एक वैलिड प्रोसीजर है और ऐसा ऐसा होता है, और जब हमने UGC की गाइडलाइंस फॉलो अप करके पूरा कम्प्लीट जब मैंने किया और उसके बाद जब एम्बेसी से मैंने उसको अटेस्टेड करवाया, तो वो मेरे लिए बाहर भी उतना ही वैलिड हो गया था सर्टिफिकेट अब्रॉड में जितना कि वो यहाँ इंडिया में वैलिड हो सकता था। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा, सबके मन में जो ये मिथ रहता है कि इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बाहर वो रिकॉग्निशन, वो वैलिडिटी नहीं मिलती है, अगर आप UGC गाइडलाइन सारी फुलफिल करो और UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सारी UGC गाइडलाइंस को फॉलो किया है, सारे प्रोसीजर्स को आपने फॉलो किया है। मैं ये बताना चाहूँगा आप हमारे पास आइए, हमारे से काउंसिल के लिए एडवाइस की, आपको बाहर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप सुमित जी का एग्जांपल भी देख सकते हैं, इन्होंने हमारे काउंसलिंग, हमारी गाइडेंस के अंदर सारी चीज़ें परस्यू करी, फॉलो करी, उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं आई। जो वैलिडिटी पीएचडी की इनकी इंडिया में थी वही वैलिडिटी इनकी बाहर थी। थैंक यू सुमित जी, आप अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, आपने अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करी, इट वॉज रियली एन ऑनर एंड यू ट्रूली आर एन इंस्पिरेशन। जो भी लोग गाँव से आए हैं, जो भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए आप सच में एक इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस मंच पर आए, आप हमारे चैनल पर आए। In fact, it's an honor for me that you called me here today and I got a chance to share my journey to all young people, especially the way you guys are providing necessary support during the coursework for working professionals. It's really great and I'm honored today to be here. Thank you so much, sir. It truly is an honor. Like I said earlier, real life experiences are very costly. मैंने खुद पर्सनली ना बहुत लॉसेज बियर करे हैं। मैं ये नहीं चाहता, हमारे जो चैनल है उसका गोल, उसका पर्पज़ यही है, जितने भी मिथ्स हैं एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उन सबको हम क्लियर करें। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और नीचे ना एक छोटा सा बेल आइकन भी है उसको ज़रूर प्रेस करें आगे आने वाली नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।